एंड वेलकम है आप लोगों का मेरे न्यू व्लॉग में। अरसु कहाँ जा रहे हो? चौराहे पे। अरसु मैं जा रहे हैं चौराहे पे। तो हम सभी लोग जा रहे हैं आज चौराहे पे मार्केट। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गोलगप्पे खाने हैं। मेन टारगेट तो यही गोलगप्पे खाने। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं चौराहे। क्या करने जा रहे हो? रसगुल्ला। तो फ्रेंड हम लोग गोलगप्पे खाने जा रहे हैं। गोलगप्पे को अरसु बोल रहे हैं रसगुल्ला। कहाँ जा रहे हो? पानी उतना सा गोलगप्पा खाना का। क्या खाए फिर से बोलो? का है बदे? का है माँ? तीन धुआ है। तो डरना ही लागत है। डरा तो डर लागत है। कितना इतना तो बंदर बोला दे। इतना तेंदुआ ना बोल। हम नहीं जाएंगे अरसु बाय। हम वापस। हम जाए। हम घर जाए। हम ना आए भाई। हम घर जाए। हम घर जाए। हम घर जाए। चलो अच्छा। तो फ्रेंड हम अरसु से झूठ बोल दिए कि हम नहीं जाएंगे, हम वापस घर जा रहे हैं। तो अरसु रोने लगी, वो बिना ले जाए मानेंगे नहीं। तो हम लोग फिर चल दिए। फाइनली फ्रेंड हम मार्केट पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं हम लोग चूड़ी लेने आए थे, तो चूड़ी की शॉप पे हैं, जो कि चूड़ी हमारी छोटी सिस्टर ही बेच रही है, जो चाचा की लड़की है उन्हीं की शॉप है। तो हम सब लोग देख सकते हैं चूड़ी खरीद रहे हैं। तो फ्रेंड हम सभी सिस्टर अपनी अपनी मम्मी के लिए लेंगे चूड़ियाँ। तो रेड और येलो कलर की चूड़ियाँ ले रहे हैं हम सभी लोग। देख सकते हैं आप लोग, जिसको भी चूड़ी लेनी हो तो हमारी शॉप पे आइए और अच्छी अच्छी चूड़ियाँ ले जाइए। तो फ्रेंड हम लोग तो कस्टमर बन के आए थे, पर यहाँ पे हमारे अरसु जो हैं वो दुकानदार बन चुके हैं। देख सकते हैं काउंटर के पास चले गए हैं और रैक भी खोल रहे हैं साथ में, और चॉकलेट हाथ में लिए। तो हमने मांगी तो पीछे छुपा लिए, नहीं दे रहे हैं। और जब इनका खाने का मन हुआ तो ये खोल नहीं पा रहे थे, तो तुरंत पकड़ा दिए, बुआ खोल दो चॉकलेट। क्या खा रहे हो? चॉकलेट कहाँ है दिखाओ? इनको खिलाओगे? नहीं खिलाओगे? कौन है इसमें? तो फाइनली फ्रेंड हम लोग चूड़ी ले चुके हैं और अब जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। तो देख सकते हैं जो सिस्टर दुकानदार बनी थी वो भी साथ में है, गोलगप्पे खाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सभी लोग खाएंगे गोलगप्पे। तो फ्रेंड हम लोग बताशा खा लिए और अब हम जा रहे हैं घर। फाइनली फ्रेंड गोलगप्पे खा के हम लोग घर चल दिए हैं। मम्मी ने बोला था सूरज डूबने से पहले आ जाना। देख सकते हैं सूरज डूब रहे हैं, अभी हम सब लोग रास्ते में ही हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं अरसु काफी आगे पहुंच चुके हैं। तो आगे पहुंचने का राज ये है कि एक सिस्टर और अरसु बाइक पे बैठ लिए थे, गांव के बाहर उतर लिए हैं, और हम लोगों को आते देख तो ये फिर से वापस बैक हमारी तरफ भागने लगे हैं। और अब हम सबके साथ चल दिए हैं और वो सिस्टर आगे खड़ी है जो बाइक से आ गई थी। और इधर देख सकते हैं हमारे गांव में मधुमक्खियां भी पाली हुई हैं। ये बाहर से लोग आए हैं बिहार से, तो ये लोग यहां पे बसे हुए हैं। और ये मधुमक्खियां बहुत ही ज़्यादा कपड़े हम लोगों के गंदे करती हैं। और इधर देख सकते हैं हमारे गांव का रास्ता जो है वो खुदा हुआ है, क्योंकि इसमें पानी वाली पाइप पड़ रही है, जो कि सरकार द्वारा हम लोगों को पानी मिलेगा इससे। जय श्री राम। तो अर्श बाबू तो हमारे श्री राम और शिव शंभू जी का नारा लगाने लगे घर पहुंचते ही पहुंचते। तो हम घर पहुंचे तभी नैना स्कूल से आ चुकी थी घर पे, और देख सकते हैं कैसे जोकड़ बनी हुई है, रेड ग्रीन और गरम कपड़े। तो फ्रेंड घर पहुंचते ही पहुंचते एक बात पता चली है क्या? जब सभी लोग अपना अपना सामान लेने लगे तो उस बादल बढ़ गए। तो उसमें एक पॉलिथीन जो है वो एक्स्ट्रा हो गई, जिसमें
जिसमें केले है तो अब हंसी नहीं रुक रही है कि ये केले किसके हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो केला खरीदा ही नहीं है, हम लोग तो चूड़ी खरीदने गए थे। तो अब ये केले किसके हैं पता नहीं है। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है अगर किसी को पता हो किसके केले हैं तो वो आकर हमारे घर ले जाए। तो फ्रेंड जब केला पता चला कि मिस्टेक से केले चले आए हमारे साथ, तो कुछ देर तक तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आई कि केला कौन लेकर चलाया, केला तो हम लोगों ने लिया नहीं था। लेकिन फिर पछतावा भी हो रहा है कि पता नहीं किसने खरीदे होंगे अपने खाने के लिए और मैं गलती से उनको अपने साथ लेकर चली आई। जानबूझकर तो नहीं किया, किसी के केले मैं नहीं लेकर आई, लेकिन ये गलती से आ गए हैं तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर ही। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।